लेंस की मैग्नीफिकेशन के अंदर रूल नंबर वन कि लीनियर मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम पड़ गया। कन्वेक्स लेंस की मैग्नीफिकेशन मैंने आपको भी सिखाई, कन्वेक्स लेंस के रियल के केस में इन्वर्टेड इमेज है तो ये नेगेटिव, ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वी नेगेटिव है और यू पॉजिटिव है। तो मैंने बताया कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो कन्वेक्स लेंस की है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वर्चुअल की पॉजिटिव होती है, कर लिया हमने। और हमने कनकेव का भी ये केस कर लिया कि इसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है। मैं न्यूमेरिकल्स में ये नहीं यूज करूंगा, मैं न्यूमेरिकल में ऐसे करूंगा, मैग्नीफिकेशन चाहे रियल है चाहे वर्चुअल है, मैं यहां पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी पुट नहीं करूंगा, ना मैं H2 में, ना मैं H1 में, ना मैं V में, ना मैं U में, मैं यहां पुट कर दूंगा। क्योंकि मेरे को याद है कि रियल की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है और वर्चुअल की पॉजिटिव है, तो मैं यहां पुट करने की बजाय एक ही चीज याद कर लूंगा कि अगर रियल है तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली H2 इज माइनस M टाइम्स H1 अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर कुछ यूज नहीं करूंगा, मैग्नीफिकेशन जो न्यूमेरिकल आएगा रियल में नेगेटिव पुट कर दूंगा, और अगर वर्चुअल आएगा तो पॉजिटिव पुट करूंगा। रूल नंबर वन कैसे करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, आपके पास लेंस फॉर्मूला आपके पास है, आप दोनों साइड्स को यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यू बाई वी बन जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये यू बाई एफ हो जाएगा, वन राइट साइड पे आ गया। सॉल्व करें, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी बाई यू की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वी बाई यू क्या होती है, मैग्नीफिकेशन। तो आप ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूला रजिस्टर में जरूर एंटर करें और इसे हाईलाइट भी करें बुकलेट में, मैग्नीफिकेशन और एफ और यू का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन इज एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मैग्नीफिकेशन का साइड पे एक और फॉर्मूला लिख लें, वी बाई यू इफ नीडेड, वैसे ज्यादातर ये चलता है पर ये तो हमें पता ही है क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, मैग्नीफिकेशन और यू का जब क्वेश्चन आएगा जिसमें वी नहीं गिवन होगा उसमें ये पुट करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है यहां तक। दूसरा, मैग्नीफिकेशन में फिर से लेंस फॉर्मूला, इस बार दोनों साइड को वी से मल्टीप्लाई कर दें, ये वन हो गया, ये वी बाई यू हो गया, ये वी बाई एफ हो गया, वी बाई यू एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, लेकिन वी बाई यू क्या होती है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन और वी और एफ का फॉर्मूला नोट करें, एफ माइनस वी बाई एफ, एफ माइनस वी बाई एफ, तो एम मैग्नीफिकेशन इज एफ माइनस वी अपॉन एफ। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो यू की फॉर्म में क्या होगा और वी की फॉर्म में क्या होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है यहां तक? ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इन फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हो आप, ठीक है यहां तक? तो हम एक काम करते हैं, हाँ इसमें एक ये फिर समराइज कर दिया इसे कि थिन लेंसेज के लिए लेंस फॉर्मूला सेम रहता है, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, ये पहला पॉइंट है। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन वन है तो इमेज यानी कि मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज है। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन वन है तो इमेज डिमिनिश्ड है, छोटी है। अगर मैग्नीफिकेशन वन है तो यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, ये भी सबको मालूम है। इसके ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब क्या गिवन है, यू, यू तो नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर का मतलब यू गिवन है और यू नेगेटिव होता है। कौन सा लेंस है पता नहीं, फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, भाई ये बताओ इस ऑन द अदर साइड कौन सा लेंस बनाएगा इमेज, कन्वेक्स कि कनकेव, कन्वेक्स, कौन सा रियल बनाएगा, पता लग गया कौन सा केस है, क्योंकि वर्चुअल तो सेम साइड पे बनती है, तो रियल का केस है, यानी कि यू इसमें नेगेटिव है, वी इसमें पॉजिटिव है, तो पता लग गया रियल का केस है, यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालो और टाइप ऑफ लेंस बताओ। टाइप ऑफ लेंस तो बिना सॉल्व किए बता सकता हूं, कन्वेक्स लेंस है, और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या आती है, पॉजिटिव। तो तुम यहां पर ये फॉर्मूला लगा लेना, V को पुट कर लेना प्लस 90, U को पुट कर लेना माइनस 45, सॉल्व करके F निकाल लेना, और F तो हर हालत में पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो गलत किया है कुछ, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का केस हम आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव।
तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो साइज ऑफ नीडल है, हाइट ऑफ नीडल या साइज ऑफ नीडल अगर 5 है तो इमेज का साइज क्या होगा। तो ये बताओ मैग्निफिकेशन का बिना साइन कन्वेंशन के ये फॉर्मूला है। आपको पता है कि हाइट निकालनी है इमेज की, इसमें आपको कहोगे सर ये तो मुझे पता ही है कि उल्टी होगी, इन्वर्टेड है, नहीं ये तुमने निकालनी है, जो चीज़ निकालनी है उसमें साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना। तो तुम इसको H2 रहने दो, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो इसको प्लस 5 पुट करो, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही होता है हमेशा। इमेज कहाँ पर है? प्लस 90 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? माइनस 45 पे। तीन में साइन कन्वेंशन तुमने पुट करनी है, चौथे में अपने आप विद साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगा और आना भी नेगेटिव चाहिए क्योंकि ये रियल इमेज है और जो इन्वर्टेड इमेज है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे यूज़ करना है? तो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोनों, इसमें तो केस के हिसाब से ही साइन कन्वेंशन पुट करें और कुछ भी ना करें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे यूज़ करना है? ठीक है, जैसे कन्वेक्स लेंस इज यूज टू थ्रो ऑन अ स्क्रीन 10 मीटर फ्रॉम द लेंस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन कहाँ पर होती है? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, तो स्क्रीन हमेशा ऑन दी अदर साइड होती है, राइट साइड पे होती है। तो वो क्या थ्रो कर रहा है? इमेज को थ्रो कर रहा है, और इमेज को कहाँ थ्रो कर रहा है? 10 मीटर दूर थ्रो कर रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या गिवन है? आपको V पता है, और V इसमें नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये रियल का केस बनने वाला है। इमेज ऑन दी अदर साइड है, स्क्रीन के ऊपर है, और स्क्रीन हमेशा राइट साइड पे है, रियल इमेज में V पॉजिटिव है। आपको इसमें क्या गिवन है? आपको क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें V पता है, हमें मैग्निफिकेशन पता है। कोई कहता है जी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैंने अच्छा फिर कह रहे अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल का केस है, मुझे पता लग गया। भाई वो तुम्हें नहीं देगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें न्यूमेरिकल में खुद डिसाइड करके ही पुट करनी है। अब तुम्हें ये पता लग चुका है कि रियल का केस है, तो जब तुम इसमें V निकालना चाहोगे मैग्निफिकेशन से, तो मैग्निफिकेशन में तुम पुट करोगे -19। अगर ये वर्चुअल का केस होता तो +19। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी वर्चुअल है कि रियल है, पर ये रियल का केस है तो यहाँ पर -19। F आपको निकालना है और V की वैल्यू इसमें 10 गिवन है, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी 0.5। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है यहाँ तक। तो जैसे इस केस को देखें, कौन सा केस है ये आइडेंटिफाई करें। डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, क्या निकालना है? यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज यू, और फोकल लेंथ 15, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है इसमें? 15, और ये लेंस कौन सा है? पता नहीं, कन्वेक्स केस, अच्छा सॉरी कन्वेक्स लेंस है, सॉरी, तो प्लस 15। तो यू निकालना है टू ऑब्टेन एन इमेज 3 times साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज 3 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो बताओ ये रियल का केस है कि वर्चुअल का केस है? रियल का केस है, क्यों? वर्चुअल तो भी तो बड़े बनते हैं, कन्वेक्स में वर्चुअल का इतनी बड़ी इमेज बन जाती है, चेक कर लो डायग्राम, अभी चेक कर लो, रियल में भी डायग्राम में इन्वर्टेड में बड़ा बनता है और वर्चुअल के अंदर भी बड़ा बनता है, भी डिस्कस किए थे। तो एक्चुअल में कोई भी केस हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल हैं इसमें, तो आपको सब्जेक्टिवली तो दोनों केस बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन ही देगा ना, एक ऑप्शन जो भी देगा देगा, पर इसमें दोनों केस बनाने हैं। केस नंबर 1, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल हैं। तो मैंने 2 बार क्वेश्चन सॉल्व किया, पहली बार क्या किया? रियल, रियल में मैग्निफिकेशन को मैंने क्या पुट किया? -3। रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या है? पॉजिटिव। ठीक, यू की वैल्यू निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। एफ की वैल्यू
यहाँ पर पॉजिटिव है और यू की वैल्यू यहाँ पर माइनस बीस आएगी, पहला आंसर। लेकिन ये केस वर्चुअल का भी हो सकता है, सेम मेथड है वर्चुअल का, लेकिन मैग्निफिकेशन अब क्या पुट करेंगे, प्लस, रियल में माइनस, वर्चुअल में प्लस, बाकी सब सही है। फिर से अब इसमें एफ की वैल्यू प्लस 15 है और यू की वैल्यू हैज़ टू बी कैलकुलेट, यू की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या कैसे फॉर्मूले लगाने हैं इसमें, कोई डाउट इसमें? सारी गेम लेंस की सिर्फ साइन कन्वेंशन है। आज हम बिल्कुल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है। पहले आप एक लेंस में लगाएंगे, अगली क्लास में हम लेंस इन कॉम्बिनेशन करने वाले हैं जिसमें तीन लेंस इकट्ठे चलेंगे। जब आपको एक लेंस आएगा उसके कम से कम, नहीं तो हम 25 क्वेश्चन करेंगे एक लेंस के, एटलीस्ट उसकी थोड़ा आपका हाथ बैठ जाएगा, मैं होमवर्क भी दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दो लेंस लेंगे, फिर हम तीन लेंस लेंगे, फिर लेंस एंड मिरर लेंगे। मतलब सीक्वेंस ऐसे चलता है, पहले एक लेंस है, फिर दो लेंस हैं, फिर तीन लेंस हैं, फिर मिरर पढ़ाया जाएगा, फिर लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन चलता है, ये आपका स्टैंडर्ड चलता है। तो आपको पहले इसके ऊपर हाथ बैठना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तीन लेंस तभी करेंगे जब एक लेंस का काम आएगा। पॉइंट क्लियर है? और वो तीन लेंस का केस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको दो मिनट रुक जाओ, अभी इसको नहीं करेंगे, इसकी जगह एक काम करते हैं। शीट नंबर 76A, इसे ओपन करें प्लीज। 76A शीट नंबर सब्जेक्टिव, इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करना है, इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करना है, चेक करें। सब्जेक्टिव शीट है, सब्जेक्टिव शीट्स। इसका एक चीज का आंसर दो, कन्वर्जिंग लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस। ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगती है जब स्टूडेंट पहली बार होगा कि कन्वर्जिंग लाइट रेज का मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस ने कन्वर्ज किया कि पहले से ही कन्वर्ज है? पहले से कन्वर्ज है, उसे बिल्कुल नहीं कहा कि लेंस ने कन्वर्ज किया। कन्वर्जिंग बीम ऐसी होती है, तो ये डायग्राम दे भी रहा है वो, उसने डायग्राम दिया कि पीछे से रेज कन्वर्ज होती हुई आ रही थी, और अगर ये लेंस ना होता तो ये रेज कहां पर मिलती, ओ पर, और आपको डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। पर क्योंकि यहां पर एक लेंस को रख दिया गया जिसने रिफ्रैक्शन कर दी और आपकी जो इमेज बनी वो ओ की बजाय, लाइट मिलने की बजाय कहां पर बनी, आई पे बनी। तो बस मुझे ये बताओ कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहां है, दिख रहे, दिख रहे एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा, ओ की आए, ओ ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एक्चुअल तो दिख नहीं रहा। तो कन्वर्ज होने से क्या बनी हुई थी, एक्चुअल में इसकी इमेज बनी हुई थी वहां पे, यानी कि पीछे कोई बड़ा लेंस रखा होगा किसी ने जिसे कन्वर्ज करवा के उसकी इमेज बना दी होगी, जो दिख नहीं रहा हमें। कन्वर्जिंग अपने आप तो हुई नहीं ना, ऐसी हुई। अब तुमने इस लेंस को रख के यहां अच्छी भली जो रेज मिल रही थी उसको शिफ्ट करवा के यहां पे कर दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस लेंस के लिए अब ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये मेरी क्या है, इमेज है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक्चुअल थोड़ी ना, एक्चुअल तो पीछे दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को। क्लियर है यहां तक? और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इस केस में इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा,
पॉजिटिव भाई, वर्चुअल है, एक्चुअल तो पीछे घूम रहे हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो यू नेगेटिव होता है मानता हूँ, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो यू पॉजिटिव हो सकता है। ये आइडिया समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ओ पे बन रही थी, लेंस ने ओ को आई पे शिफ्ट किया, तो इस लेंस के लिए राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना 10, तो यू इसमें कितना है 10 है। अब वो कह रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, अब इमेज तो यहाँ कहीं बनेगी, आपको डिस्टेंस निकालना है कितना है, और आपको इसकी फोकल लेंथ पता है जो कि कितनी है +30, फोकल लेंथ की वैल्यू इसमें +30 है। प्लस क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो आपको वी निकालना है, तो लगाओ लेंस का फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, यहाँ पर यू पुट करो, एफ पुट करो, सॉल्व करो, वी आएगा जो कि प्लस आएगा। प्लस का मतलब इमेज कहाँ पर बनने वाली है? एट दी राइट साइड, राइट साइड ही बनेगी। देखो इसका मतलब जो इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट 10 पे है तो इमेज कहाँ पर बनने वाली है? 7.5 पे। ये आंसर है, ऐसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम तो आपसे पूछ भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ कि वी की वैल्यू इसमें क्या होगी, वी की वैल्यू इसमें ये होगी। आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या लॉजिक है इसका? मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है कि यू बिना देखे, देखो वैसे बता देता हूँ 99.99% क्वेश्चन में यू नेगेटिव ही होता है, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, बट जिसमें कहीं से रेज आ रही हैं वो मिल रही है, उसकी इमेज बन गई, उन क्वेश्चन में वर्चुअल के अंदर यू पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस, पर पेंडिकुलर टू द एक्सिस नहीं है, अलोंग द एक्सिस है, ऐसे पड़ी हुई है नीडल, लेटी हुई है, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। तो और 10 सेंटीमीटर की नीडल है, और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव है। सच दैट मिडल पॉइंट ऑफ नीडल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंथ, तो नीडल का मिड पॉइंट लेंथ से 20 सेंटीमीटर पे है, और इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है मुझे? इमेज बनेगी, उसका साइज बताना है क्या है। लॉजिक क्या है? ये आपकी नीडल है, पहले काम करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्योंकि हमें तो इस टाइप की इमेजेस बनानी नहीं आती जो लंबाई में है, हम इसका कोना ले लेंगे, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट का ऑब्जेक्ट मानते हुए, ए इस पॉइंट को सिर्फ ऑब्जेक्ट यू मानते हुए लेंस फॉर्मूला लगा के वी निकाल देंगे, तो ए की इमेज ए डैश पे निकल आएगी, और एक एंड लेंगे, दूसरा एंड लेंगे बी डैश, बी डैश को ऑब्जेक्ट, बी को ऑब्जेक्ट मानते हुए उसकी इमेज बी डैश बना देंगे, फिर जो यहाँ पर ए डैश बी डैश होगा उनके बीच में जो दूरी होगी वही इमेज का साइज होगा। तो मतलब ए की इमेज बनेगी, बी की इधर से इमेज बनेगी, और ए डैश बी डैश का जो डिफरेंस होगा वो आपकी इमेज का साइज होगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसके अंदर आप एक काम करो, पहले ए से स्टार्ट करो। ए में क्या करेंगे? ए के अंदर ए की दूरी कितनी है बताओ, ये सेंटर से कितनी है? 20, और 10 का आधा क्या है? 5, 20 और 5 कितना हो गया? 25,
ए के लिए ऑब्जेक्ट कितने हैं? -25, ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है 10, सॉल्व करके क्या निकलेगा? वी निकलेगा। ऐसे ही आप एक काम करो, अपने आप करो, बी के लिए बनाओ और लेंथ निकालो इमेज की क्या होगी, और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बी बी पॉइंट का आंसर आया है ना, तो इसमें ए पॉइंट का आंसर आया हमारे पास कितना, 16.67। मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला ए डैश, ये कितना आएगा 16.67। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट की दूरी कितनी है, 20 में से 5 गया, कितना 15, तो यू की वैल्यू कितनी आएगी, -15। और फोकल लेंथ तो इसकी सेम है लेंस की,
सॉल्व करके v आ गया, v कितना आ रहा है 30। तो यानी कि जो b डैश पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पे आएगा 30। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो 30 में से 16.67 को माइनस कर देंगे तो इमेज का साइज आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसका? तो पहले ए की इमेज बनेगी, बी की इमेज बनेगी और दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। ठीक, ये एनसीईआरटी है, ये बेसिक है। तुम्हारा जो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के अंदर आना है वो ये आना है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तुम गाड़ी चला रहे हो, ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुम्हें शीशे में, मिरर में, विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन का और ये बहुत आता है, लेकिन आज हम बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन से, तो अगली बार चलते चलते ये लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस। मुझे सिर्फ ये बताओ कि लेंस कन्वेक्स है या लेंस कंकेव है। कितने लोग बोलते हैं कन्वेक्स? क्यों बोलते हैं कंकेव? सर कंकेव। कंकेव क्योंकि कन्वर्जेंट क्या है? बीम है, कन्वर्जेंट लेंस नहीं है, कन्वर्जेंट बीम है, कन्वर्ज हो रहा है और आगे क्या रख दिया? डाइवर्जेंट लेंस, यानी कि कंकेव है। तो कंकेव है तो फोकल लेंथ क्या है? माइनस। वो कह रहे कंकेव लेंस ने इमेज को बनाया, कन्वर्जेंट बीम को फोकस कर दिया कंकेव ने, और कहां बनाया? पॉइंट थ्री पे, ऑब्वियसली उन्हें राइट साइड बनाया। तो यानी कि वी की वैल्यू प्लस थ्री, पॉइंट थ्री है। आपको क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट की दूरी के लगा दो लेंस का फॉर्मूला, कंकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, वी की वैल्यू पता है, यू निकाल लो, यू पॉइंट बारह आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मतलब मैं रे डायग्राम तो शायद नहीं बना पाऊंगा, पर मैं एक लॉजिक समझा सकता हूं कि कोई कन्वर्जेंट बीम आ रही होगी पीछे से, कोई कन्वर्जेंट बीम आ रही होगी, उसने इमेज को बनाया होगा यहां पे, जो कन्वर्जेंट बीम है, जो कन्वर्जेंट बीम है उसने पीछे से जो आ रही है 0.3 पे इमेज बनी होगी। वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को मानते हुए यहां पर जो है इमेज बनी होगी। रे डायग्राम नॉर्मली पूछे नहीं जाते, न्यूमेरिकली सॉल्व करके काम बन जाता है। ठीक है, तो थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर, डबल कन्वेक्स लेंस। तो डबल कन्वेक्स लेंस या बाय कन्वेक्स लेंस पता लगता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 का पहला रेडियस पॉजिटिव, दूसरा रेडियस नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो डबल कन्वेक्स लेंस है, म्यू की वैल्यू गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब यू पता है और ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव होगा। तो क्या निकालना है? नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज। अब प्रॉब्लम क्या है? फोकल लेंथ नहीं पता, फोकल लेंथ नहीं पता पर डबल कन्वेक्स लेंस पता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूले में आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू आपको पता है 1.5 है, आप आर वन पॉजिटिव आर टू नेगेटिव पुट करेंगे, सॉल्व करके फोकल लेंथ आएगी प्लस 20, इसका मतलब लेंस कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो एफ आ गया लेंस मेकर से। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपने ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर का हाइट है, आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, तो यू की वैल्यू कितनी है? माइनस 10, यू इज माइनस 10, फोकल लेंथ की वैल्यू तो प्लस 20 आ चुकी है। आप लेंस का फॉर्मूला लगाएं और वी निकाल लें, वी क्या आ रहा है? नेगेटिव। वी नेगेटिव का मतलब कौन सी इमेज है? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि रियल में वी पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, वर्चुअल के अंदर यू भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ये शो करती है कि लेंस कन्वेक्स है, और वी नेगेटिव ये शो करता है कि इमेज वर्चुअल है। अब वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1V/U बिना साइन कन्वेंशन के ये रहा, मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन पुट करता ही नहीं हूँ कभी भी। अब मुझे ये पता लग चुका है ये वर्चुअल का केस है क्योंकि वी इसमें नेगेटिव है, तो मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? H2 हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 है, और इमेज कितनी है? H2, और इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस कितना है? -20, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -10,
ऑटोमेटिक यहाँ मत साइन कन्वेंशन पुट करना चाहे, तुम्हें मालूम भी है इमेज सीधी बनेगी क्योंकि तीन में पुट करना चौथी अपने आप आएगी। अगर ये हाइट पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, तो क्या लिखेंगे एंड में कि वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है और हाइट 10, ऑब्जेक्ट 5 है, हाइट डबल है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज है या इनलार्ज्ड इमेज है। तो बड़ी इमेज है, सीधी इमेज है और वर्चुअल इमेज है। समझ में आ रहा है कि कैसे डिफाइन करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें फिफ्थ। देखो क्वेश्चन है कि डबल कन्वेक्स लेंस है, जब ये ऐसी बातें करते हैं ना, डबल कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स है, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला पक्का लगेगा। डबल कन्वेक्स लेंस है, 10 और 15 सेंटीमीटर टू रेडिया है, तो एक रेडियस पॉजिटिव और एक रेडियस नेगेटिव। लास्ट टाइम डिस्कस किया था डबल कन्वेक्स लेंस में एक रेडियस पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। और आपको क्या क्वेश्चन में, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर ऑन द लेंस, लेंस से 30 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यू नेगेटिव है। आपको क्या बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड, तो इमेज की दूरी भी बता रहा है कितनी, 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 क्यों, क्योंकि ऑन द अदर साइड है, तो यू नेगेटिव, ऑन द अदर साइड में वी इज पॉजिटिव। अब सबसे पहली चीज, जब यू और वी गिवन है तो अंडरस्टूड है, यानी यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू निकल आएगी। तो आप सबसे पहले साइड पे फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला लगा लेना, 1/f = 1/v - 1/u, V को पुट करना +20, U को पुट करना -30, फोकल लेंथ आएगी +12। और सही भी है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी चाहिए क्योंकि रियल इमेज है, ऑन द अदर साइड है, तो फोकल लेंथ आ गई +12। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब दूसरा फॉर्मूला जो आपको लेंस के बारे में आता है वो है लेंस मेकर। लेंस मेकर का फॉर्मूला लगाएं, लेंस मेकर में फोकल लेंथ को +12 पुट करें, अगर ये कनकेव होता तो नेगेटिव, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, म्यू निकालना है, एक रेडियस पॉजिटिव एक रेडियस नेगेटिव, म्यू आ गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? अब अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फिर से निकालो फोकल लेंथ। अगर इसको इमर्स किया किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 सेंटीमीटर, काट लो, यूनिट तो होते ही नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। अब इसको वाटर में डाल दिया, हमने लास्ट टाइम लेंस मेकर किया था, और लेंस मेकर में क्या किया था कि अगर आपने मीडियम को चेंज किया और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो आप इसमें क्या करेंगे, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि अब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं रहा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, वाटर हो गया सेकेंड केस में, तो फोकल लेंथ भी चेंज हो गई। क्या सिखाया था, इसको ब्रेक करना सिखाया, अगर वाटर ऊपर है तो वाटर नीचे, ग्लास नीचे है तो ग्लास ऊपर, ब्रेक कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी हमें पता है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.33, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव ऑलरेडी पता है, तो नई फोकल लेंथ निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि बेसिक लेंस और लेंस मेकर के कॉम्बिनेशन को कैसे काम किया जा रहा है इसमें, ठीक है? देखो अगर वो बेसिक क्लियर है, लेंस मेकर आता है, लेंस आता है, तो फिर देखो अपने आप ही कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, ठीक। नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे समझ में आएगा, नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। तो
जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सेवंथ एक बार देखना प्लीज, सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है, इज इरेक्ट। अब इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल की रियल, वर्चुअल रियल में तो बनती ही उल्टी है, तो वर्चुअल है। एंड लेंथ इज फोर टाइम दैट ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन यानी कि फोर टाइम्स ज़्यादा है। अब वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो आपको इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू पता है, मैग्निफिकेशन पता है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस यू और वी निकालना है। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, एफ आपको पता है कन्वेक्स लेंस है, मैग्निफिकेशन वर्चुअल की पॉजिटिव है, तो तुम एक बार एम और यू का फॉर्मूला लगा लो और एक बार एम और वी का फॉर्मूला लगा लो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दोनों में पुट कर दो, एक बार यू निकाल लो एक बार वी निकाल लो, आंसर आ गया। बस मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला को अप्लाई किया जा रहा है ताकि क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि करना क्या है। मतलब मैं साइन कन्वेंशन यहाँ ही पुट कर रहा हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ से आइडिया होगा आपको। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, इसको भी कर लो, ये लो। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस 90 है। अब बीच में क्या पड़ा हुआ है? लेंस। अब स्क्रीन की बात हो रही है तो पक्का रियल इमेज है, तो यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है। अब वो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन निकालनी है तो पक्का रियल निकालनी है और डबल साइज की निकालनी है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल और इमेज क्या बनेगी, रियल और लेंस क्या है? कन्वेक्स। तो रियल इमेज मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, तो इमेज कहाँ पर है? 90 माइनस एक्स पे है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज का पॉजिटिव है, क्योंकि रियल इमेज है ना, तो यू नेगेटिव ही पॉजिटिव है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी की? मैंने दो। अब उसे ना ट्वाइस, जो इमेज है वो ट्वाइस बननी चाहिए साइज में। रियल इमेज है और ट्वाइस है, रियल की मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो तुम सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा, जिसमें मैग्निफिकेशन इज इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज। इमेज क्या है? 90 माइनस एक्स। ऑब्जेक्ट क्या है? माइनस एक्स, और मैग्निफिकेशन तो माइनस टू है। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लो, एक्स आ गया। अगर एक्स यानी कि 30 पे है तो इमेज 60 पे है, ताकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 90। अगर ऑब्जेक्ट 30 पे है तो इमेज 60 पे है, तभी टोटल डिस्टेंस 90 है। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए यू कितना है? माइनस 30। वी कितना है? प्लस 60। लगा लो फॉर्मूला, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां पर क्या कैसे चलेगा ये सब कुछ है?